तीखी और नमकीन एकदम टेस्टी वाली रतलामी सेव बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है बेसन। तो आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार बेसन ले सकते हैं, मतलब आपको जितनी सेव बनानी हो उतनी आप क्वांटिटी में बेसन ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3-4 कप जितना बेसन लिया है यहाँ पे मैंने। और अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देना है। और यहाँ पर एक मसाला मेरी मम्मी का स्पेशल है, वो बनाए हैं। उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। उससे अच्छे से छान के ऐड करेंगे, क्योंकि ये ना थोड़ा सा दरदरा पीसा है इसलिए। अब पीसे तो एकदम फाइन पाउडर इसका बना दीजिएगा, जिससे कि जो इसके एक्स्ट्रा बड़े चंक्स हो ना वो बाहर निकाल दिए जाए, और एकदम बारीक वाला जो है वो अंदर हमें सेव में ऐड कर देना है, सेव के बैटर में। इसके अंदर 3-4 चम्मच इतना हमें ऑयल ऐड करना है मोइन के लिए। और अब इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और फिर ना इसका आटा जो है हम पानी से गूंथने वाले हैं। इसका आटा एकदम ही ढीला नहीं कर देना है हमें, थोड़ा सा इसका आटा जो है वो हम कड़क रखेंगे, हार्ड रखना है। तो आराम से नाप अनुसार पानी ऐड कीजिएगा, जितना ज़रूर पड़े उतना ऐड करना है, क्योंकि ये ना बेसन का आटा है इसलिए बहुत जल्दी पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और ढीला हो जाता है। तो इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, तो मोटा रखिएगा, पकौड़े की तरह इसे हमें ज़्यादा लूज़ नहीं कर देना है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे जो सेव बनाने का मशीन होता है उसके अंदर सेव की जो जाली होती है वो लगा दी है, और जो बैटर है उसे हम मशीन के अंदर पोर कर देंगे। तो 2 चम्मच की हेल्प से आप इसको अंदर डाल सकते हैं, और आप एक बार में पूरा का पूरा ये जो मशीन है वो भर दीजिएगा। और फिर हमने यहाँ पर ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये हमने मशीन को पूरा भर लिया है। इसको बंद कर देना है, एकदम टाइट बंद करेंगे, और इसके अंदर ही हम डायरेक्टली ऑयल जो गर्म किया है ना उसके अंदर ही हमें डायरेक्टली सेव बना देनी है। तो 3 से 4 बार इस तरह से हमें इसका राउंड घुमा देना है, मतलब ये जो सेव है ना उसका एक बड़ा सा गुच्छा बनेगा, वो 3 से 4 राउंड घुमाया हुआ गुच्छा बना देना है। तो जैसे हमने बनाया है बिल्कुल उसी तरह से बना दीजिएगा, और थोड़ा सा पक जाए ना उसके बाद फिर इसे पलटना है, तुरंत ही नहीं पलटेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें आराम से पलटना है। ये हमारी एक बार की सेव जो है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से हमने एक प्लेट के ऊपर होल वाली जो छन्नी होती है ना वो रख दी है, और उसके ऊपर हमने ये जो सेव बनाई है ना वो उसके ऊपर रखेंगे। तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो सारा उसी में ड्रिप आउट हो जाएगा, और ज़्यादा ऑयली हमारी सेव जो है वो नहीं बनेगी। तो ये जो रतलामी सेव होती है वो थोड़ी सी तीखी होना तो ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने एक बार का तो सेव का गुच्छा जो है वो बना दिया है, सेम उसी तरह से दूसरी वाली भी सेव जो है वो बनाकर रेडी कर देनी है। तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपके घर पे सेव साल या फिर कुछ भी जो सेव यूज़ होती है जिसमें उसमें भी आप खा सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो आप उसे तुरंत भी बना सकते हैं, मतलब जब आपको खानी हो तब भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका मसाला जो बनाया था ना उसकी रेसिपी बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सिनेमोन, फिर क्लाउज है, थोड़ा सा ऐसा पटेड़ा लेंगे, थोड़ा सा कैरम सीड्स है और क्यूमिन सीड्स, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट लिया है। अब ये सारे मसाले जो है ना वो हम एक मिक्सी में ले लेंगे, एक मिक्सर जार में ले लीजिएगा, और इसे बहुत ही अच्छा फाइन पाउडर बना देना है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा पाउडर ज़्यादा फाइन नहीं है तो मैंने जैसे बताया आप इसे छान के ऐड कीजिएगा, जिससे कि जो मोटे मोटे चंक्स रहेंगे ना वो हम आसानी से डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम जब सेव के मशीन में इसको डालेंगे ना तो फिर वो अच्छे से गिरेगी नहीं हमारी सेव। और यहाँ हमारी सेव जो है वो सारी बन चुकी है, इन्हें सर्व कर लेंगे। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, लव्ड वन सबको हमारे चैनल शेयर कीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, नई नई रेसिपीज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।